हेलो बच्चों, ये देख लीजिए। अगर आप ट्वेल्थ पास हैं सिंपल, तो आपके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में नवीनतम वैकेंसी निकली है। क्या सैलरी रहेगी, कैसे आपको उसमें अप्लाई करना है, ठीक है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा सहायक स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड 3 में रिक्रूटमेंट निकला है। शुल्क जमा करने और आवेदन स्टार्ट की जो डेट है, ऑनलाइन अप्लाई डेट, वो 15 फरवरी से शुरू हो गए हैं, जो कि 6 मार्च तक चलेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, आवेदन की प्रक्रिया ये है कि इस तरह आपको आवेदन करना है, ठीक है। ये पूरा लिंक मैंने दे दिया है नीचे, वहां से आप चले जाएंगे, आवेदन कर लेंगे। मैन इसमें आप देख लीजिए कि आपने पीटी 2023 अगर क्वालिफाइड हैं, अगर आप पीटी 2023 जो उत्तर प्रदेश सरकार का हुआ था उसमें क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि सहायक स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड 3 मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों का उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग के हित केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पीईटी 2023 में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें स्कोर कार्ड मिला है, यानी उन्होंने वो पास की है। अब ये देख लीजिए कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी के बारे में देख लीजिए, विभाग कौन कौन से हैं। ये देख लीजिए, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सहायक स्टोर कीपर की वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी 83 है जनरल के लिए, ठीक है, और टोटल वैकेंसी 199 है, जिसमें जनरल के लिए 83 है, एससी के लिए 41 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 53 है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्टर यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उसके लिए 19 वैकेंसी इन्होंने दी है। 199 टोटल वैकेंसी है सिंचाई एवं जल संसाधन, जिसे हम लोग नलकूप विभाग कहते हैं, और एक वैकेंसी इन्होंने निकाली है सहायक ग्रेड 3 के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड में। तो इस तरह आप देख सकते हैं टोटल 200 वैकेंसी हैं। अब क्या आरक्षण, ये सब देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। अगर आप ट्वेल्थ पास हैं और आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आप अपने कैरियर की शुरुआत करें, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जॉब और करियर से रिगार्डिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इन्होंने ये भी लिखा है कि ट्वेल्थ पास के साथ साथ आपको 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में कंप्यूटर टाइपिंग आपकी आनी चाहिए, यानी आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और आपने अगर एनसीसी मैं बी प्रमाण पत्र है आपके, बी सर्टिफिकेट है, तो आपको कुछ छूट भी मिलेगी। वहीं पर आपने अगर सेना में कार्य किया है 2 वर्ष तो आपको छूट मिलेगी। तो ये पूरा देख लीजिएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार का,